है कि बीकानेर आए हुए हैं और अभी हम रेलवे स्टेशन जाने वाले हैं और वहां से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से हसनपुर रवि फिटनेस आरएस जो अपना भाई है, उनके बड़े भाई संजय भाई की शादी है, वहां पे जाएंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए और मेरे साथ हैं बड़े जीजू और इधर पास में बैठे हैं दूली जी। कैसा लग रहा है दूली जी? एकदम जोरदार खाना चल रहा है, खाना भी एकदम जोरदार है। दूली जी थाली भर के खा रहे हैं। कड्डी नहीं है आज, कड्डी नहीं है थाली में। क्या नहीं है? कड्डी घर पर कड्डी नहीं खाते। तो हम सभी ने खाना खा लिया है और अब जाएंगे वापस रेलवे स्टेशन। वहाँ से 10:10 पर ट्रेन है, वहाँ से हम जाएंगे दिल्ली। तो देखते रहिए कैसा रहता है सफ़र। हम अभी बीकानेर जंक्शन पहुँच चुके हैं और अभी हम ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। लगभग 10:10 पर ट्रेन है। तो हम अभी यहाँ से पानी की बोतल लेने वाले हैं ताकि प्यास लगने पर। तो हमने बोतल ले ली पानी की और तो अब हम सभी ट्रेन में चढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए। तो हम सभी अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो सभी बैठे हैं भाई और सभी। तो कैसे लग रहा है दिल्ली सर? जोरदार सुबह के 5 बजे हैं और दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। तो देखते रहिए और भाई और सभी बैठे हैं इधर। और दिल्ली जी कैसा लग रहा है? तो हम सभी दिल्ली स्टेशन पर उतर चुके हैं। तभी बस स्टैंड पर खड़े हैं, बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बस में चढ़ के जाएंगे बस स्टैंड यूपी वाले। वहाँ से बस में जाएंगे भाई के वहाँ। तो देखते रहिए कौन सी बस आती है। आज भाई आ गए हैं चंडीगढ़ से, हमारा वेट कर रहे थे दिल्ली में। हाँ, तो और दूली भाई और सभी खड़े हैं यहाँ पर, बिस्कुट खा रहे हैं और हमारी बस खड़ी है। अभी इसमें जाएंगे रवि भाई के वहाँ शादी में, संजय भाई की शादी है। तो अब हम बस में बैठेंगे। ये है उत्तर प्रदेश की बसों की कंडीशन। आप देख सकते हैं कि कितनी साफ सुथरी बसें हैं, एकदम कचरे से भरी है पूरी बसें। देख सकते हैं आप, देखो तो क्या करें, ऐसी बसों में जाना पड़ता है। और आज भाई बैठे हैं सभी, देख लो स्ट्रिंग गाड़ी की बसें, बहुत ही शानदार है। सभी दूर जी कैसा लग रहा है? बहुत ही बेकार लगेगा, तो है जाना तो इसमें भी पड़ेगा। और आज भाई कैसा लगा दिल्ली आके? करना पड़ रहा है बस, और गुजारा। तो बैग रख दिया यहाँ हमने और ये बस स्टैंड है, बसें लगी है सभी उत्तर प्रदेश की है, देख लो बहुत अच्छी अच्छी बसें हैं सभी। तो अब हम रवाना हो चुके हैं दिल्ली से उत्तर प्रदेश गजरौला के लिए। अभी यहाँ पर बस रुकी है थोड़ी देर के लिए चाय नाश्ते के लिए।
अभी सभी गजरौला उतर चुके हैं, अभी हम टैक्सी में जाएंगे हसनपुर। तो सभी भाई साथ में है, राज भाई और सभी भाई और सभी खड़े हैं। अब जाएंगे टैक्सी में, तो देखते रहे अभी भाई विशु भाई सब इंतजार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है गुरुजी? बहुत ही जोरदार जोरदार लग रहा है। आपको हर बार जोरदार कैसे लगता है? और क्या लग रहा हम अभी हसनपुर पहुंच चुके हैं और इससे आगे 2 किलोमीटर और हैं, वहां पर खड़े हैं रवि भाई। तो हम फाइनली पहुंच गए, आ गए हैं गाड़ी लेके, वो खड़े हैं। के घर पर रवि भाई लेने आए थे हमें, तो सभी बैठ रहे हैं गाड़ी में। बैठो राजू, बैठो। तो हम फाइनली रवि भाई के घर पहुंच चुके हैं। संजय भाई संजय भाई तो हम अब रवि भाई के घर में जाने वाले हैं। रेशु भाई देखो सारे अनबिलीवेबल तो बोल दो यार, अनबिलीवेबल तो भाई। तो ये हमारा रवि भाई का देसी जिम, राजू 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 पूरे दिन हल्दी लगाए। रवि भाई का ऊपर से छत घर का। एक बार तो यहाँ अभी टेंट लगाया जा रहा है, तो देख सकते हैं आप, और उधर खाना बन रहा है और यहाँ पर सभी खड़े हैं। तो अब राज भाई डांस करेंगे, बहुत बढ़िया। उधर औरतें
क्या हो रवि भाई, डांस नहीं कर क्या? कैसा लगा बताओ? मस्त मस्त एकदम। कैसा लगा आपको? मुझे आपका डांस देखकर अच्छा लगा। ये कैसा क्यों?